हेलो, सबको साउंड आ रहा है क्या? गुड यस सर, गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग। कुछ क्वेश्चन छोड़ दिए थे, सब सॉल्व किया था क्या? हेलो, यस सर, कर लिए थे। इसका आंसर बताओ कितना आया था? सर इसका आंसर डी आया था सर। डी। ठीक है, आओ देखते हैं। सैंपल ऑफ वाटर हैज बीन एनालाइज्ड फॉर कॉमन आयंस एंड रिजल्ट्स आर प्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ बार डायग्राम एज शोन। द नॉन कार्बोनेट हार्डनेस एक्सप्रेस्ड इन मिलीग्राम पर लीटर एज CaCO3 ऑफ द सैंपल इज। हमको दे रखा है मिली इक्विवेलेंट पर लीटर ऑफ कैल्शियम 2+, मैग्नीशियम 2+। यहां से मिली इक्विवेलेंट पर लीटर ऑफ कैल्शियम 2+ कितना हो जाएगा? मिली इक्विवेलेंट पर लीटर ऑफ कैल्शियम 2+ बार डायग्राम से कितना होगा बताओ? टू 2.65। इतना टाइम क्यों लगाते हैं? 2.65 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर ऑफ मैग्नीशियम 2+, ये कितना हो जाएगा? पॉइंट 1.0 4.1 - 2.65। 4.1 - 1, सॉरी, 2.65। 1.45 1.45 यार है 1.45। ओके, और हमको निकालना है नॉन कार्बोनेट हार्डनेस। उससे पहले हमको निकालना पड़ेगा टोटल हार्डनेस। टोटल हार्डनेस दिस इक्वल टू मिली इक्विवेलेंट पर लीटर ऑफ कैल्शियम 2+ प्लस मिली इक्विवेलेंट पर लीटर ऑफ मैग्नीशियम 2+। इंटू इक्विवेलेंट वेट ऑफ CaCO3। दिस इक्वल टू मिली इक्विवेलेंट पर लीटर ऑफ कैल्शियम 2+, ये है 2.65 प्लस मिली इक्विवेलेंट पर लीटर ऑफ मैग्नीशियम 2+, ये है 1.45 इंटू इक्विवेलेंट वेट ऑफ CaCO3। कितना होता है इक्विवेलेंट वेट ऑफ CaCO3? होता 50 होता है। ये कितना आ रहा है देखो, सर 215 215 205 205 205। उसके बाद हमको पहले निकालना पड़ेगा अल्कलिनिटी। अल्कलिनिटी दिस इक्वल टू मिली इक्विवेलेंट पर लीटर ऑफ, यहाँ पे अल्कलिनिटी किसके वजह से हो सकता है? अल्कलिनिटी देखो तीन आयन की वजह से होता है। एक तो होता है कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट एंड OH- की वजह से होता है, जिसको कास्टिक अल्कलिनिटी भी बोलते हैं। इसमें किसके वजह से हो सकता है? बार डायग्राम देख के बताओ। HCO3- HCO3- की वजह से हो सकता है अल्कलिनिटी। दिस इज इक्वल टू मिली इक्विवेलेंट पर लीटर ऑफ HCO3- इंटू इक्विवेलेंट वेट ऑफ CaCO3।
मिली इक्विवेलेंट पर लीटर ऑफ HCO3- बाय बार डायग्राम देख के बताओ कितना होगा। 3.3 ये होगा 3.3 इंटू इक्विवेलेंट वेट ऑफ CaCO3 ये हो जाएगा 50। ये कितना आ रहा है बताओ, मिलीग्राम पर लीटर एच सी एस यूत्री। ये भी हो जाएगा मिलीग्राम पर लीटर एच सी एस यूत्री। अब हमको निकालना पड़ेगा नॉन कार्बोनेट हार्डनेस, पहले तो हमको निकालना पड़ेगा कार्बोनेट हार्डनेस। कार्बोनेट हार्डनेस इज इक्वल टू मिनिमम ऑफ टोटल हार्डनेस एंड अल्कलिनिटी। दिस इक्वल टू मिनिमम ऑफ टोटल हार्डनेस, टोटल हार्डनेस कितना है 205, अल्कलिनिटी है 165, दोनों का मिनिमम कितना हो जाएगा 165 मिलीग्राम पर लीटर एच सी एस यूत्र। अब हमको निकालना है नॉन कार्बोनेट हार्डनेस, दिस इक्वल टू टोटल हार्डनेस माइनस कार्बोनेट हार्डनेस। टोटल हार्डनेस हो गया 205 माइनस कार्बोनेट हार्डनेस हो गया 165, ये कितना आ रहा है 40 mg/L 40 मिलीग्राम पर लीटर एच सी एस यूत्र। करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। इसको किसी ने सॉल्व किया था क्या, नहीं किया होगा। आओ देखो the analysis of a water sample produces the following results. The total hardness in milligram per liter as CaCO3 of the water sample is, total hardness किस किस की वजह से हो सकता है, multivalent metallic cation, calcium 2+ and magnesium 2+ की वजह से होगा। तो हम सबसे पहले लिखेंगे concentration of calcium 2+ दिस इक्वल टू 60 मिलीग्राम पर लीटर। हमको इक्विवेलेंट वेट ऑफ कैल्शियम प्लस भी दे रखा है, कैल्शियम 2+ 20, दिस इज इक्विवेलेंट वेट ऑफ कैल्शियम 2+। कंसेंट्रेशन ऑफ मैग्नीशियम 2+ ये कितना दे रखा है हमको, 36.6 मिलीग्राम पर लीटर। अब निकालेंगे मिली इक्विवेलेंट पर लीटर ऑफ कैल्शियम 2+, दिस इज इक्वल टू कंसेंट्रेशन ऑफ कैल्शियम 2+ दैट इज 60 मिलीग्राम पर लीटर डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट ऑफ कैल्शियम 2+। इक्विवेलेंट वेट है 20 दे रखा है हमको, कैलकुलेट करने का जरूरत नहीं, तो ये हो जाएगा 3। उसके बाद निकालेंगे मिली इक्विवेलेंट पर लीटर ऑफ कैल्शियम मैग्नीशियम 2+, मिली इक्विवेलेंट पर लीटर ऑफ मैग्नीशियम 2+ दिस इज इक्वल टू 36, कंसंट्रेशन ऑफ मैग्नीशियम 2+ दिस इक्वल टू 36.6 डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट ऑफ मैग्नीशियम 2+ दिस इक्वल टू 12.2 ये आ जाएगा 3। टोटल हार्डनेस दिस इक्वल टू मिली इक्विवेलेंट पर लीटर ऑफ कैल्शियम 2+ प्लस मिली इक्विवेलेंट पर लीटर ऑफ मैग्नीशियम 2+ इंटू इक्विवेलेंट वेट ऑफ CaCO3 दिस इक्वल टू 50।
मिली इक्विवेलेंट पर लीटर ऑफ कैल्शियम 2+ Ca3 प्लस मिली इक्विवेलेंट पर लीटर ऑफ मैग्नीशियम 2+ AbA3 इंटू 50 इज इक्वल टू कितना आ रहा है 300 मिलीग्राम पर लीटर HCl3। इसका आंसर हो जाएगा 300। किसी कोई डाउट यहां तक? ओके, क्लोराइड कंटेंट। तो क्लोराइड्स इन वाटर आर मोस्टली ड्राइव फ्रॉम, क्लोराइड वाटर में कहां से आता है? साल्ट। प्रेजेंस ऑफ क्लोराइड इन हाई क्वांटिटी इंडिकेट्स पोल्यूशन ऑफ वाटर ड्यू टू, देखो वाटर जो पोल्यूट होता है मीन्स जिसमें जो क्लोराइड के कंटेंट बहुत ज्यादा हो, किसकी वजह से हो सकता है? इंडस्ट्री के भी वजह से हो सकता है। मोस्ट कॉमन जो होता है वो सीवेज होता है। सीवेज में क्लोराइड कहां से आता है? सीवेज किस किस चीज से मिलकर बना होता है पहले बताओ। इंडस्ट्री से ही आता है सर, स्लज और सीवेज। इसमें होता है किचन वेस्ट और क्या क्या हो सकता है? बाथरूम वेस्ट। इसमें इंडस्ट्री का भी हो सकता है, इंडस्ट्री वेस्ट भी हो सकता है। देखो सीवेज मेनली जो होता है ह्यूमन एक्सक्रेटा, ह्यूमन एक्सक्रेटा इसकी वजह से आता है। साल्ट क्या क्या हो सकता है? NaCl और क्या हो सकता है? KCl, MgCl2, KCl, MgCl2, CaCl2, etc. क्लोराइड्स आर एस्टिमेटेड बाय, क्लोराइड्स को हम लोग कैसे निकालते हैं? मोहर्स मेथड और अर्जेंटोमेट्रिक मेथड। लैब टेस्ट फॉर क्लोराइड, टाइट्रेंट हम लोग क्या यूज करते हैं क्लोराइड के लिए? सिल्वर नाइट्रेट सर। सिल्वर नाइट्रेट AgNO3। इंडिकेटर क्या यूज करते हैं? पोटासियम क्रोमेट K2CrO4। टाइट्रेट को हम लोग लेते हैं बुरेट में, ये हो जाएगा सिल्वर नाइट्रेट AgNO3। हम लोग कोनिकल फ्लास्क में क्या क्या लेते हैं? वाटर सैंपल और सैंपल। सैंपल में क्या होगा? साल्ट प्लस इंडिकेटर। इंडिकेटर में क्या लेंगे हम लोग? पोटासियम क्रोमेट K2CrO4। इंडिकेटर का कलर कैसा होता है मीन्स K2CrO4 का कलर कैसा होता है? ब्लू सर। नहीं, लेमन येलो, लेमन येलो और येलो भी बोल सकते हैं। देखो जो फर्स्ट रिएक्शन जो होता है वो होता है सल्फर नाइट्रेट का साल्ट के साथ NaCl के साथ, इसे क्या बनता है?
AgCl precipitate. AgCl plus Na NO3, sodium nitrate. AgCl का precipitate कैसा होता है? White color का. Milky white. उसके बाद जो सेकेंड रिएक्शन होता है सिल्वर नाइट्रेट का इंडिकेटर के साथ होता है. ये रिएक्शन तब स्टार्ट होगा जब सभी क्लोराइड खत्म हो चुका होगा, मींस सभी क्लोराइड जो है प्रेसिपिटेट AgCl बन चुका होगा. उसके बाद जो स्टार्ट होगा रिएक्शन AgNO3 प्लस K2CrO4. इससे क्या बनता है? बनता है Ag2CrO4. देखो रिएक्शन को हम बैलेंस नहीं कर रहे हैं, बैलेंस कर लेना अपने Ag2CrO4 एंड KNO3 पोटासियम नाइट्रेट KNO3. इसका कलर कैसा होता है Ag2CrO4 का? रेडिश ब्राउन. दो रिएक्शन होता है, ये फर्स्ट रिएक्शन है, ये सेकंड रिएक्शन है. फर्स्ट रिएक्शन पहले होता है, सेकंड रिएक्शन बाद में होता है. ऐसे क्यों होता है? पहले रिएक्शन ये भी तो हो सकता है क्योंकि AgNO3 K2CrO4 तो पहले भी प्रेजेंट है. सर एक्टिविटी सीरीज के अकॉर्डिंग जो एक्टिव है वो पहले रिएक्शन पहले होगा. एलिमेंट देखो ये केएसपी पे डिपेंड करता है, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट केएसपी. जिसका सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट ज्यादा होगा वो रिएक्शन पहले होगा. सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट AgCl का ज्यादा होता है, Ag2CrO4 का कम होता है. इसलिए फर्स्ट रिएक्शन पहले होता है, सेकंड रिएक्शन बाद में होता है. इसका कलर कैसे चेंज होता है? देखो Ag2CrO4 कैसा होता है? रेडिश ब्राउन. इसमें तीन कलर चेंज आता है. जो फर्स्ट इनिशियल कलर जो होता है वो होता है इंडिकेटर की वजह से, पोटासियम नहीं सिल्वर नाइट्रेट की वजह से होता है लेमन येल्लो और येल्लो. उसके बाद बनता है मिल्की व्हाइट प्रेसिपिटेट, ये इंटरमीडिएट होता है. उसके बाद बनता है लास्ट जो इंड प्रोडक्ट होता है, इंड कलर वो होता है रेडिश ब्राउन. एक्सेप्टेबल लिमिट कितना होता है क्लोराइड का? टू फिफ्टी एम जी पर लीटर. कॉज फॉर रिजेक्शन 1000 मिलीग्राम पर लीटर. हार्डनेस का हम लोग एक्सेप्टेबल लिमिट एंड कॉज फॉर रिजेक्शन लिखना भूल गए थे. हार्डनेस का कितना होता है एक्सेप्टेबल लिमिट? सर 200 mg/L. हाँ बिल्कुल सही बोल रहे. हार्डनेस का एक्सेप्टेबल लिमिट होता है 200 mg/L. HCAC उतरे. कॉज फॉर रिजेक्शन होता है कितना होता है? कॉज फॉर रिजेक्शन 600 mg/L. HCAC उतरे. ट्रीटमेंट ऑफ वाटर. वाटर ट्रीटमेंट प्रोसेस में क्या होता है? पहले हम लोग क्या लेते हैं? रॉ वाटर. रॉ वाटर कैसे लेते हैं? सबसे पहले तो हम लोग वाटर को स्टोर करते हैं. वाटर कैसे स्टोर करते हैं? ये रहा हमारा रॉ वाटर. वाटर ट्रीटमेंट प्रोसेस कभी देखे हो क्या? नो सर. ओके सर. रिजर्वायर में रखते हैं. रिजर्वायर कैसे बनता है? देखो ये रॉ वाटर, ये रिवर में, रिवर से वाटर स्टोर करते हैं. रिवर हो सकता है और क्या पॉन्ड भी हो सकता है. सबसे पहले हम लोग जनरली रिवर यूज करते हैं.
और ग्राउंड वाटर भी ले सकते हो रो वाटर की जगह पे। तो जनरली हम लोग रिवर वाटर यूज करते हैं, तो रिवर में वाटर कैसे स्टोर करते हैं हम लोग? डैम बैराज वियर कुछ पढ़े थे ना, यस कौन सा यूज करते सर, हैं? कौन सा यूज करते हैं? डैम यूज करते हैं, बैराज और वियर क्या यूज करते हैं वाटर स्टोरेज के लिए? तीनों यूज कर सकते हैं नहीं, डैम ही सिर्फ यूज करते हैं वाटर सर। स्टोरेज के लिए। हाँ डैम ही यूज करते हैं। देखो वियर एंड बैराज इसको क्या बोलते हैं, वियर और बैराज? ये होता है डायवर्जन स्ट्रक्चर, ये वाटर स्टोरेज के लिए कभी यूज ही नहीं होता है, ये होता है डायवर्जन स्ट्रक्चर। डायवर्जन स्ट्रक्चर वो स्ट्रक्चर होता है जो वाटर को डाइवर्ट करता है, ना कि स्टोर करता है। ये एक स्मॉल पॉन्ड क्रिएट करता है, ना कि रिजर्वायर क्रिएट करता है। रिजर्वायर सिर्फ और सिर्फ डैम ही क्रिएट करता है। वियर एंड वेराज इसको डाइवर्जन स्ट्रक्चर बोलते हैं। वाटर को स्टोर करने के लिए हम लोग डैम का ही यूज करते हैं। तो रो वाटर को सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, स्क्रीनिंग से पास कराते हैं। ये रहा स्क्रीनिंग। उसके बाद क्या करते हैं, एरिएशन सर, सर एरेजन। उसके बाद क्या करते हैं, सेडिमेंटेशन नहीं कोगुलेशन, कोगुलेशन मीन्स एडिशन ऑफ कोगुलेंट। उसके बाद क्या करते हैं, पहले फ्लोकुलेशन। पहले प्लेन सेडिमेंटेशन कराते हैं। प्लेन सेडिमेंटेशन नहीं कराते हम लोग, हमेशा कोगुलेंट कोगुलेशन एडेड सेडिमेंटेशन ही कराते हैं हम लोग हमेशा। प्लेन सेडिमेंटेशन में देखो, उसका जो प्लेन सेडिमेंटेशन में जो डिटेंशन टाइम होता है वो 4 to 8 आवर होता है, जो कि बहुत ज़्यादा होता है। कोगुलेशन एडेड सेडिमेंटेशन टाइम में जो डिटेंशन टाइम होता है ये होता है 2 to 4 आवर, हाफ रिड्यूस हो जाता है लगभग। इसलिए हम लोग हमेशा कोगुलेशन एडेड सेडिमेंटेशन ही करते हैं। इसमें टाइम कम लगता है और वाटर से सस्पेंडेड सॉलिड जल्दी रिमूव हो जाता है। उसके बाद करते हैं कोगुलेशन। दोनों दोनों नहीं बोलो, यूज सकते हैं, प्लेन दोनों सेडिमेंटेशन, प्लेन एड सेडिमेंटेशन प्लेन जिसके बाद सेडिमेंटेशन यूज फिर करते कोगुल। हैं। देखो प्लेन सेडिमेंटेशन कमर्शियली यूज नहीं करते हैं क्योंकि इसमें टाइम बहुत ज्यादा लग जाता है। कोई भी एक प्रोसेस में टाइम बहुत ज्यादा लग जाएगा तो क्या समझ रहा, आउटपुट आने में टाइम ज्यादा लगेगा, तो उसको सप्लाई करने में भी टाइम ज्यादा, जल्दी सप्लाई नहीं कर पाओगे उसको। तो हम लोग कहीं भी प्लेन सेडिमेंटेशन कमर्शियली यूज नहीं करते हैं। कहीं भी जैसे किसी भी सिटी में जो वाटर सप्लाई किया जाता है तो कोगुलेशन एडेड सेडिमेंटेशन ही होता है। हम लोग पढ़ते हैं प्लेन ठीक है सर, सेडिमेंटेशन, प्लेन सेडिमेंटेशन इसलिए पढ़ते ठीक है हैं सर, क्लियर। क्यों, ओके क्लियर। फ्लोकुलेशन, उसके बाद होता है सेडिमेंटेशन। फ्लॉक में क्या होता है, पार्टिकल, बहुत सारा पार्टिकल कोगुलेंट के साथ एक बड़ा पार्टिकल बना लेता है, जिससे इजिली सेडिमेंट, उसका क्या होता है, सेटलिंग इजी हो जाता है, सेडिमेंटेशन। उसके बाद होता है फिल्ट्रेशन। ये कौन सा फिल्टर है बताओ, स्लो सैंड फिल्टर और रैपिड सैंड फिल्टर? सर हम लोग इंडस्ट्रियल यूज में रैपिड सैंड फिल्टर यूज करते हैं, बट रैपिड सैंड ये फिल्टर हमको यूज स्लो करते सैंड हैं। फिल्टर, स्लो सैंड फिल्टर लग रहा। गौर से देख के बताओ ये कौन सा फिल्टर है, स्लो सैंड फिल्टर और रैपिड सैंड फिल्टर? रैपिड रैपिड सैंड रैपिड सैंड फिल्टर लग रहा सर। फिल्टर, रैपिड सैंड फिल्टर ही है। देखो इसका मतलब दो तरीका से पहचान सकते हो। एक तो होता है जो सैंड पे स्लाइम लेयर बनता है और स्कमर्ज डेक बनता है, जो कि इस पे नहीं दिखाया गया। इसका मतलब ये स्लो सैंड फिल्टर ही है, सॉरी रैपिड सैंड फिल्टर ही है। दूसरा और कैसे जान सकते हो, पाइप यूज टू इंट्रोड्यूस बैक वॉश फॉर क्लीनिंग ऑफ क्लीनिंग फिल्टर। बैक वॉशिंग सिर्फ रैपिड सैंड फिल्टर में ही यूज होता है, स्लो सैंड फिल्टर में हम लोग बैक वॉशिंग यूज नहीं करते हैं। कॉमर्शियली जो फिल्टर यूज किया जाता है वो होता है रैपिड सैंड फिल्टर। उसके बाद हम लोग करते हैं डिसइन्फेक्शन। डिसइन्फेक्शन में हम लोग जनरली क्लोरीन ही यूज करते हैं क्योंकि ये सस्ता होता है, इकोनॉमिकल होता है। उसके बाद वाटर को सप्लाई कर देते हैं डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के हेल्प से। स्क्रीनिंग, स्क्रीन में हम लोग क्या क्या रिमूव करते हैं? सर फ्लोटिंग पार्टिकल
करते हैं लार्ज फ्लोटिंग पार्टिकल, स्क्रीनिंग में हम लोग लार्ज फ्लोटिंग पार्टिकल जो होता है उसको रिमूव करते हैं। देखो टाइप्स ऑफ स्क्रीन, स्क्रीन कितना तरह का होता है? दो तरह का होता है, एक वर्टिकल और इंक्लाइंड होता है। नहीं, एक होता है कोर्स स्क्रीन, यस सर, एक होता है फाइन स्क्रीन। कोर्स स्क्रीन में क्या क्या होता है? देखो जैसे सपोज ये कोर्स स्क्रीन है, कोर्स स्क्रीन में होता है पैरेलल आयरन रॉड और एल्यूमिनियम रॉड भी हो सकता है। पैरेलल आयरन रॉड यूज करते हैं इसमें, ये कुछ अरेंजमेंट कुछ इस तरह से होता है इसमें, ये होता है कोर्स स्क्रीन में ऐसे होता है। फाइन स्क्रीन में क्या होता है देखो, इसमें वायर और रॉड कुछ इस तरह से होता है। इसमें कुछ इस तरह से होता है। ये बताओ ये कौन सा स्क्रीन है, कोर्स स्क्रीन है फाइन स्क्रीन है? सॉरी, कोर्स स्क्रीन है या फाइन स्क्रीन है, कौन सा है? कोर्स स्क्रीन, ये कोर्स स्क्रीन। देखो जो स्क्रीन होता है, स्क्रीन इज इंक्लाइंड एट एन एंगल 45 टू 60 डिग्री विद हॉरिजॉन्टल इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो। सपोज डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ वाटर है कुछ इस तरह से, तो हम लोग क्या करते हैं स्क्रीन को एट एन एंगल 45 टू 60 डिग्री, 45 टू 60 डिग्री हॉरिजॉन्टल के साथ इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो में इंक्लाइन कर देते हैं। ऐसा क्यों करते हैं बताओ? स्क्रीन को एट एन एंगल 45 टू 60 डिग्री इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो क्यों इंक्लाइन करते हैं? वर्टिकल भी तो दे सकते हैं, उसमें क्या प्रॉब्लम है? सर इसका सर कांटेक्ट मतलब स्क्रीन एरिया इसका ज्यादा बढ़ जाता है। बिल्कुल सही बोल रहे हो तुम। देखो स्क्रीनिंग एरिया इसमें जो होता है, स्क्रीन का जो एरिया होता है कांटेक्ट विद द वाटर वो ज्यादा हो जाता है। इससे क्या होता है इसका, इससे एफिशिएंसी ऑफ स्क्रीनिंग बढ़ जाता है। तो देखो इसको तो और बहुत कम एंगल पे भी कर सकते थे ना, बहुत कम एंगल पे मीन्स सपोज 1 डिग्री 2 डिग्री ऐसे कर सकते हैं, और स्क्रीनिंग एरिया और ज्यादा हो जाता है, एफिशिएंसी तो और ज्यादा बढ़ जाता है। ऐसा क्यों नहीं करते हैं फिर 45 डिग्री ही मिनिमम क्यों रखते हैं? क्लोगिंग, फिर क्लोगिंग होने लगता सर। देखो इकोनॉमिकल भी करना होगा ना, 1 डिग्री 2 डिग्री रखोगे तो इसका जो स्क्रीन का जो लेंथ आ जाएगा किलोमीटर में से आ जाएगा, तो ऐसे तो दे नहीं सकते हो, तो इसलिए एंगल जो हम लोग रखते हैं 45 टू 60 डिग्री ही रखते हैं। सपोज ये रहा अप स्ट्रीम ऑफ स्क्रीन, ये रहा डाउन स्ट्रीम, दिस इज वेलोसिटी यू, स्क्रीन के जो स्क्रीन से जो वाटर पास कर रहा है उसका वेलोसिटी है वी। स्पेसिंग, स्पेसिंग हम लोग रखते हैं 20 to 100 millimeter सेंटर टू सेंटर, जो दो रोड का बीच का जो गैप होता है सेंटर टू सेंटर, सपोज ये रॉड रहा और ये एक रॉड रहा, सेंटर टू सेंटर जो गैप रहेगा वो रहेगा 2200। हेड लॉस ड्यू टू स्किन एंड इम्प्योरिटी, हेड लॉस कितना होता है स्किन के थ्रू जो वाटर पास करता है उसके कारण?
दिस इक्वल टू 0.0729 वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। वी क्या रहा, वेलोसिटी ऑफ वाटर पासिंग थ्रू द स्क्रीन, यू रहा वेलोसिटी ऑफ वाटर अपस्ट्रीम ऑफ द स्क्रीन। बताओ कौन सा ज्यादा होगा, वी ज्यादा होगा कि यू ज्यादा होगा? U ज्यादा होगा सर, वेलोसिटी फिर नीचे आके डाउन हो जाए। देखो V ज्यादा होगा। डिस्चार्ज क्या होता है, एरिया इनटू वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या हो जाएगा, Q डिवाइडेड बाय एरिया। एरिया क्या है, क्रॉस सेक्शन एरिया थ्रू व्हिच वाटर इज पासिंग। U जब पास कर रहा है तो क्रॉस सेक्शन एरिया सपोज A है, जब वाटर पास कर रहा है वी वेलोसिटी से उस समय सपोज एरिया ए डैश है। किस समय एरिया ज्यादा होगा, क्रॉस सेक्शन एरिया थ्रू विच वाटर इज फ्लोइंग। ए ज्यादा होगा कि ए डैश ज्यादा होगा? ए ज्यादा होगा सर। ए ज्यादा होगा, क्यों ए ज्यादा होगा सर? स्क्रीनिंग करते वक्त हेड लॉस भी तो थोड़ा बहुत होगा सर। हेड लॉस का एरिया से क्या कनेक्शन है? हाँ बिल्कुल सही बोल रहे हो, उसके कारण भी एरिया रिड्यूस होगा। और क्या हो सकता है, देखो वाटर जब पास कर रहा है उस समय तो स्क्रीन भी तो प्रेजेंट है, वो भी तो क्रॉस सेक्शन एरिया रिड्यूस कर रहा है, उसका भी तो कुछ ना कुछ तो थिकनेस है जो एल्यूमिनियम रॉड और आयरन रॉड जो है। ओपनिंग देख रहे हो, ओपनिंग कम है, बीच बीच में वायर है जिसके कारण इसका क्रॉस सेक्शन एरिया जिसके जिसके थ्रू वाटर पास करेगा वो रिड्यूस हो जाता है। इसके कारण भी क्या होगा, वेलोसिटी वी जो होगा ए ज्यादा होगा, ए डैश कम होगा। ए डैश कम होगा तो वेलोसिटी क्या होगा, ज्यादा हो जाएगा। एरिया कमेगा तो वेलोसिटी ज्यादा हो जाएगा। वेलोसिटी थ्रू फ्रेशली क्लीन स्किन ये होता है इन द रेंज ऑफ 0.8 to 1 meter per second। यहां तक किसी कोई डाउट? एरेजन, एरेजन को क्या होता है, देखो जब ऑक्सीजन को वाटर में डिजोल्व करते हैं और मिक्स करते हैं उसको बोलते हैं एरेजन। डिजोल्विंग ऑक्सीजन इनटू द वाटर, एरेजन हम लोग क्यों करते हैं? वाटर को ऑक्सीजन के कांटेक्ट में लाने के लिए सर, एयर के कांटेक्ट में। वो तो एरेजन का डेफिनेशन ही है, वाटर को एयर मतलब डिजोल्व गैस जो होता है, जो हार्मफुल एंड डिजोल्व गैस जो रहता है सर, उसको क्यों रिमूव करते हैं? To remove undesirable gases dissolved in water. Undesirable gases क्या क्या हो सकता है? CO2 sir? हाँ बिल्कुल सही बोल रहे हैं। Undesirable gases CO2, H2S, H2S और क्या हो सकता है? CO2 और हो सकता है NH3 etc. इट इंक्रीज डिजोल्व ऑक्सीजन कंटेंट ऑफ वाटर। देखो वाटर में डिजोल्व का ऑक्सीजन कंटेंट ज्यादा होता है तो उस वाटर का क्वालिटी अच्छा होता है। जिस वाटर में डिजोल्व ऑक्सीजन कम हो इसका मतलब ये है कि उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है जो एंड ऑर्गेनिक मैटर भी प्रेजेंट है। जिसके कारण क्या होता है, जब माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज करेगा तो वो क्या करेगा, ऑक्सीजन को कंज्यूम करेगा। ऑक्सीजन कंज्यूम होने से क्या होगा, डिजोल्व ऑक्सीजन लेवल कम जाता है। तो जिस वाटर में डिजोल्व ऑक्सीजन कम हो तो इसका मतलब उसमें ऑर्गेनिक मैटर एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है। डिजोल्व ऑक्सीजन लेवल ज्यादा है इसका मतलब उस वाटर का क्वालिटी अच्छा है। इट इंक्रीज डिजोल्व ऑक्सीजन कंटेंट ऑफ वाटर। इट रिमूव्स द वोलाटाइल लिक्विड। वोलाटाइल लिक्विड क्या क्या हो सकता है? सर इथाइल अल्कोहल। जनरली इथाइल अल्कोहल तो नहीं रहता है वाटर में प्रेजेंट, जो मतलब इवेपोरेट होके, जो इवेपोरेट होके मतलब जो एनवायरनमेंट में मतलब चल जाता है उसको वही लिक्विड को बोलेंगे। ये हो सकता है फेनॉल, हो सकता है केरोसिन, हो सकता है
एटसेट्रा सेडिमेंटेशन। देखो सेडिमेंटेशन हम लोग क्या करते हैं, इसमें जो सस्पेंडेड पार्टिकल होता है उसको रिमूव करते हैं, हम लोग पढ़े थे जो टोटल सॉलिड जो होता है उसका एक्सेप्टेबल लिमिट कितना होता है, नहीं 500 मिलीग्राम पर लीटर। कॉज फॉर रिजेक्शन होता है टोटल सॉलिड का जरा एक्सेप्टेबल लिमिट, कॉज फॉर रिजेक्शन होता है 2000 मिलीग्राम पर लीटर। टोटल सॉलिड जब 2000 से ज्यादा हो जाएगा तो उसको हम कंज्यूम नहीं कर सकते उस वाटर को। तो हम लोग इसमें टोटल सॉलिड में दो सॉलिड होता है, एक होता है डिजॉल्व सॉलिड एक होता है सस्पेंडेड सॉलिड। डिजॉल्व सॉलिड को हम लोग रिमूव नहीं कर सकते हैं सस्पेंड सेडिमेंटेशन से, तो क्या करेंगे हम लोग सस्पेंडेड पार्टिकल को रिमूव करेंगे। देर आर टू टाइप्स ऑफ सेडिमेंटेशन, दो टाइप्स का सेडिमेंटेशन कौन कौन सा हो सकता है, तो होता है प्लेन सेडिमेंटेशन जिसमें हम लोग कुछ भी कोगुलेंट ये सब ऐड नहीं करते हैं। दूसरा क्या होता है, सेडिमेंटेशन विद कोगुलेंट सर। हाँ, और कोगुलेशन एडेड सेडिमेंटेशन। ये फॉर्मूला कुछ देखा सा लग रहा है क्या, Vs इक्वल टू जी बाई टी जी माइनस वन डी स्क्वायर डिवाइडेड बाई न्यू और म्यू बाई रो। सॉइल में पढ़ा हुआ है लग रहा है सर। ये सर मतलब एक बार पढ़ाए थे सर। ओके, इसको ड्राइव करने क्या? नो सर, इसमें क्या-क्या वो टर्म है वो सब बस बता दें। ओके, ये देखो मीटिंग एंड हो रहा है, एक बार और ज्वाइन कर लेना।